हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर देसी। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम रश्मि दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, जो अभी भी माँ बनने वाली हैं। हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या कुछ, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका बच्चा क्या नीचे, आपका बच्चा नीचे चिपकता है, जैसे ही आप कंसीव करती है क्या नीचे की तरफ होता है, तो ये डेंजर की बात होती है। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने कहते हुए सुना है कि मेरा बच्चा नीचे है, तो वो डर जाती हैं कि क्या उनका कहीं अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके मन में रहती हैं। तो ये जो हम भ्रम है, ये एक डाउट होता है, ये आज तोड़ने आए हैं। इस विषय पर ज़रूर बात होगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विषय होता है बहुत ही गंभीर होता है। जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई होती है और पहले ही मन में डाउट आ जाए, ये एक सुनहरा अवसर हमें भगवान ने दिया है उसे इंजॉय करने के लिए। तो ये विषय, यानी कि ये जो डाउट है, ज़रूर तोड़ना ज़रूरी है, ज़रूर इसको क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपको नीचे की तरफ यहाँ दबा के हल्का हल्का चेक करता है कि आपने कंसीव कर लिया है और बच्चा जो है, बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से है, यानी कि बच्चा जितने मंथ का है, जितने टाइम का है, उतनी बच्चे की हाइट है या नहीं। तो इस तरीके से डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। जो बच्चे की ग्रोथ है वो आपकी नीचे से यहाँ से देखी जाती है। वो इसलिए होता है कि बच्चा जो होता है वो नीचे ही होता है, बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है। बच्चा जो चिपकता है वो नीचे की, बच्चा जो होता है ये यूट्रस होता है उसकी वॉल में आके चिपक जाता है, वो नीचे की तरफ आके चिपकता है, क्योंकि नीचे आपका स्पेस होता है और नीचे हमारा पूरा ऊपर स्पेस रहता है। तो नीचे से जब चिपकता है बच्चा, तो बच्चे की ग्रोथ जो होती है ऊपर की तरफ होती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास फर्स्ट 3 मंथ के बाद जाते हैं, यानी कि बच्चा जो है फर्स्ट 3 मंथ में बच्चा जो होता है वो जो आपकी नाभि होती है उसके नीचे नीचे रहता है, उसकी ग्रोथ उतनी ही रहती है। लेकिन बच्चा जब आपका नाभि तक पहुंच गया है, आप इस डायग्राम में देखिए, जब नाभि तक पहुंच गया तो बच्चे की ग्रोथ जो है नाभि तक आ जाती है। जो डॉक्टर होता है वो जब आप जाते हैं चेकअप के लिए तो वो दबा के देखता है और ये देखता है कि बच्चे की ग्रोथ नाभि तक है। वो खुद ही बता देते हैं, यानी कि आपको 5th month कंप्लीट हुआ है या ख़त्म हुआ है। तो इस तरीके का रहता है। जैसे ही नाभि से, या आप ये जो आपका है नाभि है, नेवल है, ये इस पर आप 4 फिंगर और रख लीजिए। इसके बाद ये आपका 6th month हो जाता है। ऐसे ही और रखेंगे तो 7th month और 8th 9th। 9th month में पूरा ये आपका यहाँ तक टच कर जाता है। 9th month में आपका जो बेबी बम्प है वो पूरा, जो आपका पेट है वो पूरा सुंदर सा निकल कर आ जाता है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पिक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये भी रहता है कि आप जो है बेबी को डिलीवर करने के लिए रेडी हैं और आगे आपका बेबी बहुत ही जल्द आपके हाथ में आने वाला है। तो जैसे ही 9th month आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपका जो पेल्विस एरिया है वो थोड़ा एक्सपेंड होता है और बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ टर्न हो जाता है और बच्चे को एक जो पोजीशन है उसमें आ जाता है बच्चा। और जैसे ही बच्चा अपनी पोजीशन में आता है, यानी कि डिलीवरी होने के लिए, तो बच्चे को एक टर्नल की ज़रूरत होती है। टर्नल होती है नीचे, जो कि आपका सर्विक्स और वजाइना को मिलकर बनती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके थ्रू बच्चा जो है नीचे की तरफ बाहर आ जाता है, यानी कि नीचे से होता होता बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से आपकी डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो जो महिलाएं ये सोचती हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो नीचे है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काम बहुत सोच सोच के करती हैं, जिन महिलाओं को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी सोच के करती हैं, बहुत सारी चीज़ों में हाथ नहीं डालती, रेगुलर जो वर्क होते हैं अपने, अपनी एक्सरसाइज जो होती हैं वो नहीं करती, बस रेस्ट करती हैं, तो वो जो एक मिथ है, ये आपको नहीं होना चाहिए। जो आपकी कंसीविंग होती है वो नीचे ही होती है, क्योंकि ऊपर पूरा गैप रहता है, बच्चा धीरे धीरे, बच्चे की ग्रोथ होते होते वो ऊपर तक आ जाती है और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहती है। तो इस तरीके का पूरा ये रहता है। तो इस वीडियो के अंदर आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो अगर आपकी जो आस पड़ोस की जो नेबर हैं, जो आपके ये रिलेटिव्स हैं, अगर इस तरीके की बातें करते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उनके साथ।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।